12,000 में अगर आप लोग कोई बढ़िया 5G फोन ढूंढ रहे हो तो लेटेस्ट लॉन्च में लावा ब्लेज 3 और IQ Z9 Lite एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया हो सकता है और कहां पे आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील मिल सकती है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले से। 6.56 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दोनों फोन में सेम है और हाँ, यहाँ पे 90 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है वो भी दोनों जगह सेम देखने को मिलती है। और पीक ब्राइटनेस लावा में थोड़ी कम है, यहाँ पे आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और IQ Z9 Lite में 840 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटडोर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका IQ Z9 Lite में बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर दोनों ही फोन में सेम है, MediaTek Dimensity 6300। अब इन प्रोसेसर के साथ क्या हम गेमिंग कर पाएंगे? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप दोनों ही फोन में कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाओगे। दोनों ही फोन में यहाँ पे LPDDR4X RAM टाइप दिया गया है और यहाँ पे UFS स्टोरेज टाइप में थोड़े चेंजेस है। ब्लेज 3 5G में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है और IQ Z9 Lite के अंदर हमें eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। अब ऑब्वियसली eMMC स्टोरेज टाइप टेक्नोलॉजी ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। IQ ने भी यहाँ पे अगर UFS स्टोरेज टाइप दिया होता तो यहाँ पे IQ भी लावा से कम्पीट कर पाता। Android 14 वर्जन के साथ एक साल के मेजर OS अपडेट आपको दोनों ही फोन में मिल जाएंगे। 5000 mAh की बैटरी दोनों ही फोन में सेम है, पर हाँ चार्जर टाइप यहाँ पे चेंज है। लावा ब्लेज 3 5G में हमें 18 वॉट का चार्जर मिलता है और IQ Z9 Lite में 15 वाट का चार्जर दिया गया है। बात करें कैमरा की तो दोनों ही फोन में रेयर में ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप है 50+2 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे IQ कहता है कि उन्होंने 50 मेगापिक्सल के अंदर सोनी का लेंस डाला है, पर कौन सा लेंस डाला है वो नहीं बताया गया है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दोनों ही फोन में सेम है। कनेक्टिविटी और अदर फीचर की बात करूं तो 3.5 mm जैक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ सारे सेंसर का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन में मिल जाता है, पर लावा ब्लेज 3 5G के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.2 और डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। ऑन अदर हैंड IQ Z9 Lite के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.4 वाईफाई 6 के साथ सिंगल स्टीरियो स्पीकर मिलता है। और हाँ, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी IQ एक अपर हैंड लेकर चलता है। यहाँ पे IP64 की रेटिंग मिलती है, पर डिजाइन एंड लुक में लावा यहाँ पे बाजी मार जाता है क्योंकि लावा के अंदर हमें ग्लास बैक दिया गया है और IQ के अंदर पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। अब सवाल आता है कि भाई खरीदे तो खरीदे कौन सा? देखो दोस्तों, अगर आपको गेमिंग अच्छी करनी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आपको एक अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए और ग्लास बैक के साथ एक प्रीमियम डिजाइन चाहिए तो लावा ब्लेज 3 5G आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यही नहीं, लावा ब्लेज 3 के अंदर आप 2K 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पर हाँ, बेटर कैमरा ऑन टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट आपको चाहिए तो IQ Z9 Lite के लिए आप जा सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पर्सनली लावा ब्लेज 3 5G खरीदना पसंद करूंगा। आप कौन सा फोन खरीदना पसंद करोगे नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वैसे 12,000 के अंदर दो और फोन है, Infinix Hot 55G और Tecno Pova 6 Neo 5G। दोनों में से कौन सा बेहतर आपके लिए हो सकता है जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए और Infinix Hot 55G का कैमरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। कोई सवाल होगी तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।